हे गाइस वेलकम, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नेम है यू शुड हैव लेफ्ट, और ये एक नॉवेल पे बेस्ड है सेम नेम की। ये मूवी मिस्ट्री एंड हॉरर की कैटेगरी में आती है, हालांकि इसमें हॉरर कुछ नहीं है, जंप स्केयर बहुत लुल्ल हैं, बट इसकी एंडिंग थोड़ी सी घूमी हुई है। सो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग एंड यू ऑल जस्ट हैव टू सिट डाउन, कीप काम एंड लिसन टू मी। सो मूवी शुरू होती है और एक छोटी सी फैमिली दिखाई जाती है, सुजैना, थियो एंड इनकी 6 साल की बेटी एना। और मॉम एंड डैड यानी सुजैना और थियो, इनके फेस से ही आप समझ जाओगे कि इनके बीच काफी एज डिफरेंस है। इनकी बेटी को भी ये बात पता है। और थियो के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था कि इसकी वाइफ एक्स वाइफ की डेथ हो गई थी, और इसलिए ये लाइफ में मूव ऑन हुआ और दूसरी फैमिली के साथ न्यू लाइफ स्टार्ट करी। और फिर लाइफ में अपनी फैमिली के साथ कुछ अकेले पल बिताने के लिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कहीं बाहर न्यू घर में जाते हैं। तो ऑनलाइन इनको एक घर मिलता है और ये तीनों उस घर के लिए निकल जाते हैं। ये घर बाहर से भी अच्छा था और अंदर से भी अच्छा था, बट कुछ स्ट्रेंज चीजें होती हैं, लाइक मोबाइल में सिग्नल कहीं कहीं जगह नहीं आते। और कुछ स्विचेस बस दिखाने के लिए लगे होते हैं, वर्क ही नहीं करते। और बस ऐसे ही फिर इनको हाउस पसंद आता है और ये यहाँ रहना शुरू करते हैं। बट फिर डेली रात में इन तीनों को कोई बैड ड्रीम्स आते हैं, एना को शेडोज दिखती हैं, और थियो को कभी कभी 5-6 घंटे लग जाते हैं घर की सिर्फ लाइट्स ऑफ करने में, और टाइम का पता ही नहीं चलता इसको, काफ़ी स्ट्रेंज। लेकिन इन सब के बावजूद ये लोग सब निगलेक्ट करते हैं और वेब सीरीज देखने में बिजी रहते हैं, सब बस। और थियो पास के एक विलेज में सामान खरीदने जाता है, तो वहाँ का शॉपकीपर भी काफ़ी अजीब बातें करता है इस घर को लेकर, और वो इससे पूछता है कि तुम घर के ओनर से मिले हो कि नहीं। इसका नेम था स्टेटलर, और वापस जाते वक्त एक लेडी भी इससे पूछती है कि तुम स्टेटलर से मिले कि नहीं, बट थियो अभी तक घर के ओनर यानी स्टेटलर से नहीं मिला था। और घर जाके थियो की सुजैना से छोटी सी फाइट हो जाती है, क्योंकि उसने एना को उसके डैड यानी थियो के पास्ट के बारे में बता दिया था कि उसकी एक्स वाइफ मर गई थी, और थियो का कहना था कि वो उसका पास्ट था, तो उसको अपने स्वयं के मुंह से एना को सब बताना था। और फिर इन दोनों को पता चलता है कि इनको किसी एनोनिमस पर्सन ने इस घर की लिंक भेजी थी, बट इनको लगता था कि इन दोनों ने आपस में ही लिंक्स भेजी थी। और फिर अब धीरे धीरे थियो को अपनी वाइफ पे शक होने लगता है, क्योंकि वो हमेशा अपने फोन में बिजी रहती थी। और सुजैना एक एक्ट्रेस होती है और थियो उससे मिलने जाता है इसकी शूटिंग के बीच, तो उस टाइम सुजैना की एक इंटीमेट सीन की शूटिंग चल रही थी, तो थियो काफ़ी जेलस फील करता है और अभी अपनी वाइफ का फ़ोन और लैपटॉप चेक करने लगता है, हालांकि उसको कुछ मिलता नहीं है। तो फिर ये सुजैना से सॉरी बोलता है पूरी फाइट के लिए, और फिर ये दोनों आपस में बात करते हैं कि इनको यहाँ इस नए घर में अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इन सबको यहाँ बैड ड्रीम्स आ रहे थे, तो यहाँ से कहीं और किसी और अपार्टमेंट में जाने का ये डिसाइड करते हैं और पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बट तभी थियो देखता है कि उसकी वाइफ के पास एक और दूसरा फ़ोन भी है जो कि वो इससे छुपा के रखती थी, और सुजैना को थियो रंगे हाथों पकड़ लेता है कि वो इस पे चीट कर रही है। और सुजैना को वो इन दोनों से दूर अकेले कार से कहीं जाने के लिए बोल देता है एक दिन के लिए एज अ पनिशमेंट, और वो चली जाती है। और यहाँ से घर में वियर्ड और डरावनी चीज़ें होना स्टार्ट होती हैं। इसको शॉपकीपर ने एक ट्रायंगल दिया था, तो उसका यूज़ करके घर के डायमेंशंस देखने लगता है, तो इसको सब गड़बड़ दिखता है। और फिर इसकी बेटी घर में ही कहीं खो जाती है, वो घुसती एक गेट से है बट निकलती किसी और ही गेट से है, और ये घर अब एकदम भूल भुलैया जैसा बन जाता है। इसके रूम्स अपने आप चेंज होने लगते हैं, और थियो अपनी बेटी को ढूंढने का पूरा ट्राई करता है और ढूंढ भी लेता है और यहाँ से जाने की तैयारी करता है। और आधी रात में ठंड में ये दोनों विलेज की तरफ निकल जाते हैं, बट बहुत टाइम बाद घूम के जबकि ये सीधे जा रहे थे तब भी ये दोनों इसी घर की तरफ वापस आ जाते हैं, और इनके पास ठंड से बचने के लिए घर के अंदर वापस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सो ये घर के अंदर आते हैं, और अंदर आने के थोड़ी देर बाद ही फिर से ये दोनों भूल भुलैया में भटक जाते हैं। और इस बार थियो को अपनी मरी हुई एक्स वाइफ इसको हॉन्ट करती है, और इस घर के ओनर से भी ये मिलता है स्टेटलर, और वो स्टेटलर एक्चुअली में यही होता है, उसका फेस एकदम सेम इस थियो के जैसा ही होता है। और फिर थियो स्टेटलर से बात करने के बाद समझ जाता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि उसने पास्ट में कुछ पाप किए थे इस वजह से, लेकिन वो अपनी फैमिली को बचा सकता था। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुजैना अपनी पनिशमेंट पूरी करके वापस यहाँ आती है, तो थियो सुजैना को सब कुछ बता देता है कि इसने ही अपनी एक्स वाइफ को मारा था, एक्चुअली मारा नहीं था, वो नशे में थी और बाथटब में डूब रही थी, और थियो उसको डूबने से रोक सकता था बट ये वहीं खड़ा रहा और उसको मरता हुआ देखता रहा, तो ये भी मर्डर से कम नहीं है। और थियो सुजैना और एना को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, और अपना यहीं इसी घर में रुकने का डिसाइड करता है, और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और ये यहाँ घर में फंस जाता है, एंड मूवी खत्म हो जाती है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पे कि आखिर हुआ क्या। सो देखो, मूवी में बहुत बार सिंस और इससे रिलेटेड टर्म्स के बारे में बात करी गई है, लाइक जिसने पाप किए हैं वो बचेगा नहीं,
और मूवी के लास्ट में दिखा दिया गया कि थियो ने भी पास्ट में सिन किए थे अपनी एक्स वाइफ को मार के, और इसके बाद ये लाइफ में मूव ऑन हो गया था, लेकिन इसके पाप तो धुले नहीं थे। ये चाहता अगर तो अपनी एक्स वाइफ को डूबने से रोक सकता था और उसके बाद चाहिए डिवोर्स कर लेता, जो भी इनका पर्सनल मैटर था, लेकिन एटलीस्ट उसमें उसकी जान नहीं जाती। बट इसने गलत रास्ता चुना, उसको मरने दिया। सो ये घर इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। थियो और सुजैना के पास इस घर की लिंक अपने आप आई थी। ये हाउस खुद अपने विक्टिम्स को चुनता है जिन्होंने पाप किए होते हैं, और थियो जब यहाँ आता है तो ये घर इसे हॉन्ट करता है और साथ में इसकी फैमिली को भी। और लास्ट में इसके पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ये खुद और अपनी फैमिली के साथ इस घर में हॉन्ट होता रहे, और या ये अपने आप को इस घर के हवाले कर दे और अपनी फैमिली को जाने दे। तो ऑब्वियसली थियो जानता था उसने पाप किए हैं, और मूवी में एक जगह अपनी बेटी से बात करते वक्त थियो थम सा गया था जब इसकी बेटी इससे हेवन के बारे में पूछती है, क्योंकि ये जानता था कि ये हेवन में बिलोंग नहीं करता और ये अपनी सिंस की सजा अपनी बेटी और वाइफ को नहीं देना चाहता था, इसलिए उन दोनों के यहाँ से जाने के लिए बोलता है और अपने आप को घर के हवाले कर देता है। और इसीलिए वो स्टेटलर भी वही था, मतलब ये स्टेटलर भी थियो ही था। यहाँ एक्सप्लेन हो जाता है कि थियो के सिंस जो कि स्टेटलर बने थे यही इसको हॉन्ट कर रहे थे, और एक घर एक्चुअली में हेल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि घर में थियो को एक जगह रियलाइज होता है कि एक तरीके से इस घर में कैद हो गया है और यहाँ एक टाइम लूप में भी फंस गया है। इसी ने अपने आप को यहाँ से बाहर जाने के लिए मैसेज दिए थे, यू शुड हैव लेफ्ट। तो ये हाउस किसी हेल से कम नहीं था, और एक घर ऐसे ही पाप किए हुए लोगों को ढूंढ के उनकी सोल्स को यहाँ कैद कर लेता है और करता रहेगा। तो बच के रहना आप सब। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि सब समझ में आ गया होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर, एंड सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू सून, बाय बाय।